दोस्तों, टाइगर 3 का प्रमोशन करने के लिए भाई जान कपिल शर्मा के शो में आने वाले हैं। वहीं कपिल बोलते हैं, टाइगर 3 का ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि भाई जान बॉक्स ऑफिस को गोलियों से बूंद देंगे। और जैसे धमाके टाइगर 3 में देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 एडवांस बुकिंग में धमाके कर रही है। दिवाली पर टाइगर 3 बहुत अच्छा चलेगी और पूरा भरोसा है कि ये मूवी सुपरहिट होगी, क्योंकि भाई जान अपने असली अवतार में वापस आ गए हैं और मानो सुनामी शुरू हो गई है। टाइगर मूवी में सलमान खान को धोखेबाज एजेंट दिखाया गया है, जो कि अपनी फैमिली को पाकिस्तान के टेररिस्ट से बचाने की कोशिश करेगा। और वहीं इस मूवी में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। मनीष शर्मा ने जो बवाल चीज बनाई है, उसने पूरी इंडिया में तहलका मचा दिया है। और वहीं इमरान हाशमी का लुक भी काफी खतरनाक दिखाया गया है। ट्रेड पंडितों का कहना है कि इमरान हाशमी और सलमान खान की टक्कर देखने लायक होगी। और इस बार तो स्पाई यूनिवर्स में शाहरुख खान भी पठान बन गए हैं, तो मानो बहुत बड़ी तबाही पक्की है। और इस बार जो बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 रिकॉर्ड क्रिएट करेगी, वो तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। और जिस तरीके से टाइगर 3 की एडवांस्ड बुकिंग हो रही है, लग रहा है कि दिवाली पर टाइगर बहुत बड़ी सुपरहिट और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, टाइगर 3 दिवाली पर एक नया इतिहास लिखने वाली है? क्या जवान और पठान का डे 1 एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड खतरे में है? और क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में टाइगर सबको पीछे करने में कामयाब होगी? अगर आप सलमान भाईजान के सच्चे फ्रेंड हो, तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको टाइगर 3 की सारी अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।